प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी आपने ये नहीं बताया किससे बचाना है, बीजेपी के एमएलए से बचाना है। आप दिल्ली को जिस प्रकार से रेप कैपिटल बना दिया है और उसके कारण पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है और आपके पास मां बहनों की सुरक्षा के लिए न कोई योजना है, न आप में कोई दम है, न आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप विपक्ष के नेताओं पर गालियां दे रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो। एक पार्टी का नेता सार्वजनिक तौर पर क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो, ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहती हूँ, इस सदन के नेता है राहुल गांधी, इस सदन के सांसद है, क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि हिंदुस्तान में हर पुरुष महिला का बलात्कार करना चाहता है? क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है और संदेश है देश की जनता को कि वो सार्वजनिक आह्वान करते हैं कि देश की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए? अध्यक्ष जी आज ये मात्र इस सदन की महिला और पुरुष सांसदों की गरिमा की बात नहीं है, इस सदन का एक सदस्य पहली बार ये हिमाकत कर रहा है कि हिंदुस्तान की औरतों के बारे